Sitaram, and a pleasant good evening to each and everyone. Welcome to tonight's Connecting Through Bhajans. At this point, I'd like to invite Auntie Chansey to lead us in our opening prayer, followed by our first bhajan. Thank you. Namaste, everyone. I hope everyone is well. Wish everyone a happy Valentine's Day. And of course, today is the first day of the Lenten period, Ash Wednesday, which is a very auspicious time as well. So we will recite. Yesterday we celebrated Saraswati Jayanti. So we'll recite this mantra dedicated to Mother Saraswati. So we chant Om three times and we go into the mantra. श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः ॐ नमः शिवाय ॐ वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तारिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेयखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् ॐ शान्ति शान्ति शांति हरि ओम नमो परमात्मने नमः। So I will do a chant dedicated to the Divine Mother. मङ्गल शुभकरी माता महेश्वरी मङ्गल शुभकरी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांदेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांदेश्वरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी राजीव लोचनी राजरजेश्वरी राजीव लोचनी राजरजेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी आनंद रूपिणी शिव शंकरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांदेश्वरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी राजीव लोचनी राजरजेश्वरी राजीव लोचनी राजरजेश्वरी आदि पराशक्ति श्री
आनंद रूपिणी हे शिव शंकरी, आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी, मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। नमस्ते एवरीवन। Thank you very much, Auntie Chansey. So we'll have a couple more bhajans before we do our Saraswati Vandana for this evening. So Sanya, can you do the next one for us, please? Followed by Auntie Joy and Auntie Indra. Thank you. कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा भजन गीत वाला निभाना पड़ेगा, भजन गीत वाला निभाना पड़ेगा। गोकुल में आया मथुरा में आ, चवी प्यारी प्यारी कही तुझका, अरे सावरे अरे सावरे देखा कि जरा, सुनी सुनी परी है तेरी द्वारिका। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा भजन गीत वाला निभाना पड़ेगा। यमुना की पानी में हलचल नहीं, मधुबा में पहला सा जल चल नहीं, वही कुंज गलियां, वही कुंज गलियां, वही गोपियां, चनक थी मगर कोई जागर नहीं। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा भजन गीत वाला निभाना पड़ेगा। कोई तेरी गैया कवाली नहीं, अमन की तेरी संभाली नहीं, कई कंस भारत में, कई कंस भारत में पैदा हुए, कपट से कोई घर भी काली नहीं। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा भजन गीत वाला निभाना पड़ेगा, भजन गीत वाला निभाना पड़ेगा। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी। सीताराम सीताराम। जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। महादेव तुमने ही तो सब देवों का संताप हरा, सागर मंथन में निखला विष चूने अपने कंठ भरा। महादेव तुमने ही तो सब देवों का संताप हरा,
सागर मंथन में निखला विष चूने अपने कंठ भरा, इसलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले, तेरे नाम देखो बाबा तेरी महिमा न्यारी, तेरे भेद अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। आ तेरे नाम देखो बाबा तेरी महिमा न्यारी, तेरे भेद अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। तू ही है कैलाशपति तू पर्वत पर डोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। शेष तुम्हारी गंगा मैया चंद्र शिखर पे सोहे, तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। शेष तुम्हारी गंगा मैया चंद्र शिखर पे सोहे, तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा झोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। सबको इसी तरह ओम सिद्धे बुद्धे प्रदादेवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। सरनाहा करके उधार करो दुर्गा, उधार करो दुर्गा। तुम विनती सुनो सबकी, दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। क्या मेरा क्या उसका, ये अपना पराया क्या। सद ज्योति जला करके रोशन करो जग
सारा, रोशन करो जग सारा। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का, सरना दिखा करके उधार करो दुर्गा, उधार करो दुर्गा। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है, एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है, एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। क्या रंग है जीवन का, क्या रूप है माधवता, तुम ज्ञान बता करके उपकार करो दुर्गा, उपकार करो दुर्गा। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का, सरना दिखा करके उधार करो दुर्गा, उधार करो दुर्गा। तुम विनती सुनो सबके। सीताराम अगेन एवरीवन। Thank you all very much. So, Sanya, can you do the next one for us? And then I'll pass over to Auntie Chansey to do the Saraswati Vandana for us this evening. Thank you. सीताराम। हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, जय राम राम राम, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, जय राम राम राम। अयोध्यावासी श्री रामचंद्र, अयोध्यावासी श्री रामचंद्र, आनंद रूपा जय जय राम, आनंद रूपा जय जय राम, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, जय राम राम राम। अयोध्यावासी श्री रामचंद्र, अयोध्यावासी श्री रामचंद्र, आनंद रूपा जय जय राम, आनंद रूपा जय जय राम, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम। सीताराम। So we did the first three last week, and we'll go on and do the other four. So remember this exercise is for us to all learn the words and learn to chant together. मुझको नवल उठान दो माँ सरस्वती, वरदान दो मुझको नवल उठान दो, ओ सत्य जीवन सारथी, तेरी करो नित आरती, सुमिरि
विधि सुख सम्मान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझ ओ नवलऊ आन दो मन बुद्धि हृदय पवित्र हो मेरा महान चरित्र हो मन बुद्धि हृदय पवित्र हो मेरा महान चरित्र हो विद्या विनय बलदान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उधान दो सौ वर्ष तक जीते रहे सुख मिया हम पीते रहे निज चरण में सुस्थान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उधान दो यह विश्व ही परिवार हो सबके लिए सम प्यार हो आदेश लक्ष्य महान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझ ओ नवल उधान दो. So I chanted a verse only once in the interest of time, but hopefully we would, every year we try to do this so everyone can chant. You don't have to be on connecting through bhajans to chant. You will be able to chant at home and in the mandir. Okay? So then we will do some chants and then later on, we will do our message. So, this is an extremely meaningful stotra. And it praises the Lord. You know, we look at Lord Shiva as Ishwara, Sri Ram, Sri Krishna. But the words are very, very meaningful, encouraging us to always look to God when we are in distress. So we can chant together. Shiva Hare, Shiva Rama Sakhi Prabhu. त्रिविधता पनिवारण है विभु अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयम कुरु मे वरम शिव हरे विजयम कुरु मे वरम कमललोचन राम दयानिधे हर गुरु गजरक्षक गोपते शिव तनो भव शंकर पाहि मां शिव हरे विजयम कुरु मे वरम शिव हरे विजयम कुरु मे वरम सुजन रंजन मंगल मंदिरम भजति ते पुरुषा परमं परम भवति तस्य सुखं परमद्भुतम शिव हरे विजयम कुरु मे वरम शिव हरे
विजयं कुरु मे वरं शिव हरे विजयं कुरु मे वरं. So we've done the first three, and I would encourage you to always look at the meaning when you are chanting. That way you have more conviction and you get the idea that you are actually praising God and speaking to God. Okay, so next week we will continue with the other three, and so we will until closer to Mahashivratri. Namaste. Thank you very much, Auntie Chansey. So, Auntie Indra, can you do the next song for us, followed by Auntie Joy, and then we will go into our catechism this evening. Thank you. Sitaram again, everyone. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तो स्वर की देवी ये संगीत तुझसे हर शाम का तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं ये अकेली हम हैं ये अधूरी तेरे शरण हम हमें प्यार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ मुनियों ने समझे कुनियों ने जाने वीरों की भाषा पुराणों की बानी मुनियों ने समझे कुनियों ने जाने वीरों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तू समझे हम भी तू जाने विद्या को हमको अधिकारा दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू स्वीत वरनी कमल पे बिराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे तू स्वीत वाणी कमल पे बिराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे मन से हमारे मिटाती अंधियारी हमको उजालो के संसार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञान काटे हमें तार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ सीताराम अगेन थैंक यू स्टार नमो महादेव शंभो नमो सदाशिवाय जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर जय शिव शंकर ओम नमो महादेव शंभो नमो सदाशिवाय
जय परमेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय शिव शंकर ओम। भवानी शंकर उमा महेश्वर, गिरिजा शंकर ओम। जय प्रियलंकर, जय पीताम्बर, जय शिव शंकर ओम। नमो महादेव शंभु, नमो सदा शिव ओम। जय परमेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय शिव शंकर ओम। हर हर महादेव गौरी मनोहर, हर शिव शंकर ओम। दुख हर लेखर, सुख कर देखर, जय शिव शंकर ओम। नमो महादेव शंभु, नमो सदा शिव ओम। जय परमेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय शिव शंकर ओम। पार्वती शंकर गंगा जता कर, करुणा शंकर ओम। नीलकंठ धर अखिलेश्वर धर, जय शिव शंकर ओम। नमो महादेव शंभु, नमो सदा शिव ओम। जय परमेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय शिव शंकर ओम। शिव शंकर नत राज सुंदर, हर हर शंकर ओम। जय डमरूधर, जय कैलेश्वर, जय शिव शंकर ओम। नमो महादेव शंभु, नमो सदा शिव ओम। जय परमेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय शिव शंकर ओम। जय शिव शंकर ओम। जय शिव शंकर ओम। So, namaste again. Today, I wanted to speak a little bit about love. Given that it is Valentine's Day, in our tradition, love is at the basis of everything. Every avatar who has come speaks about love and exemplified love. Lived love. So it is no wonder we refer to God as Prema Swarupa, the embodiment of love. And what type of love is this we are thinking of here? We are advised to show love to all. Swami says, love all, serve all. The Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks about selfless love. Selfless love, which roots out the ego and reinforces and reiterates
the understanding that God exists in all forms of life. And we should therefore treat all with respect, kindness, and love. So when we hear the word love, oftentimes we hear the word God at the same time. To get to God, what do we need to do? How do we show God love? There are many ways. Some of us, we do Abhyasa Yoga, where we perform the ritual worship of God, offering, you know, the token offerings that we do. We make sacrifices unto God. But there is much more. As Lord Krishna says, this is just the very, you know, just the very first steps. Devotion. Devotion to God. How do we devote ourselves to God? By performing our duty. And how do we perform our duty? In a disciplined manner, in a selfless manner. We perform our duty honestly, with sincerity, with love for God. This is the essence of Karma Yoga. We perform service, and all of this is subsumed under love. We perform service to God. When we worship, this is a form of adoration. And when we do all of this, the end result of love is illumination. This is what we are all striving for. Devotion, duty, discipline, service, adoration should lead to illumination. So in chapter 12 on Bhakti Yoga, the Lord explains this also. Love gives purpose to truth. And as I keep saying, where there is love, there cannot be hatred. There cannot be hatred. Selfless love, there cannot be hatred. Love is selflessness, and the hallmark of love is sacrifice. Tyaga, selfless sacrifice. When there is true love, we seek nothing. Nothing from anyone or even from God. Because that love is so great, and it comes from that understanding the Lord will give us what is best for us. He will bestow unto us what we deserve. When we have this type of love, and we are displaying this type of love, we can never be hateful to anyone or anything. That love, when you are experiencing that love and displaying that love, you cannot be any ill will towards anyone. So when we perform, when we are dedicated, when we are devoted, when we are disciplined, when we can engage or practice viveka, discrimination, understanding what is right from wrong, and when we are determined, this is when we are qualified to receive God's love.
So, you know, sometimes we think when we pray, we have to list all the things. But yet we understand that God knows it all. God knows it all. But yet we think we have to pray for something. We have to let God know what is important to us. The irony of that is, you know, we pray. This is why in the literature you would see sometimes they say, you should not pray, you should just praise God. Because oftentimes when people think of praying, they think of praying for something. You know, when you take that sankalpa, most times it's for something private, some private gain. But you can also take that sankalpa for the benefit of all. There are many ways to show God love. When you are devoted to God, you can do bhaja sevayam. You worship God through seva. This is where you bring your hands, where your heart and your mind are. And this is what the Lord is asking of us. All of these must be in sync. We cannot just recite, and then our minds are not there, neither our hands. We leave that for other people to do. That makes no sense whatsoever. Our heart, our mind, our hands, everything, all three must be in unison. When we speak of bhakti and love for God, this is what it speaks to utilizing all our organs, all our sense organs to worship God. So we use our hands, that sensation of touching it, to do. We listen to all the most beautiful, uplifting narratives about God. We listen to the scriptures. We listen to positive things that will uplift us. We use our eyes to read. We use our mouths for praising God. So when we use all our sense organs, this represents total love. And this is the hallmark of devotion. When we can see God in all. So there is no wonder that we speak about God as love. That all-compassionate or loving God. And he has set the example for us to understand what we ourselves must be. I saw this very interesting article just recently entitled Mahatma Gandhi, Gandhi's Ram is not in the Ram Mandir. And it seems provocative to say that, but what does it mean? You cannot, the Ram, because as we all know, Gandhi was a bhakta of Lord Rama. And Gandhi felt with his heart. He loved all and he served all, irrespective of religion. He loved all and he served all, and he wanted what was best for all. So sometimes we get bogged down with the externalities.
Yes, it is lovely that you have a mandir. But if you are trampling and hurting others to do something, and it's all about that, and you're neglecting the values that Lord Rama taught all those years ago, all those centuries ago, about love and service, justice for all. So this is why sometimes we have to be very careful. A lot of times when we hear the word Hindu, we get emotional. And there are people who use it to take advantage of us. So we have to be very cautious. And this is where love comes in. I always remember this: where there's hatred, there cannot be love. Where there's hatred, there cannot be God. It is a very disturbing thing to see people chanting Jai Shri Ram and committing the worst atrocities. That is the antithesis of Lord Rama. Everything that Lord Rama taught. So when it comes to whatever it may be in this life, always use your power of reason. You understand your scriptures, you understand the basics. You don't have to know the entire Ramayana, you don't have to know the entire Bhagavad Gita, but you understand the key teachings, the universal truths. And those should guide you in all your judgments and your conclusions and in all of your actions. So sometimes, don't get carried away. Don't get carried away. There's no guilt about, we all know God is everywhere. The Lord tells us that He is in all of us. There's no place where God is not. So while it's a happy time for this, but don't insult, don't hurt others. You can be happy and joyous without doing all of that. So please understand what I'm saying and understand again that the embodiment of love, whether you want to, whether it's Swami, we say Madhu Purushottama, we think about Sri Ram, Lord Krishna, the embodiments of love. They were all about love and what is right, what is just. And even when there was the last result, when it was warfare, it was still discipline. And this is after everything was exhausted. So please, always remember and think before you come to a conclusion what example has the Lord set for me? What guidance has the Lord given to me? This is where we engage in deductive reasoning. Very, very, very important. So with this, I would like to say namaste, and I hope everyone had a beautiful day, and the rest of the evening will be just as beautiful. Namaste. Thank you very much, Auntie Chansey. So we'll have a couple more bhajans again. And Auntie Indra, can you do tonight's closing prayer? So Anjoy, can you do the next one? And then Auntie Indra and Auntie Chansey will do the last one for us. Thank you. Sitaram,
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अगर सज से कांग जले और दुनिया को मीठी श्वास दे, दीपक से उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसे का भगवत गीता, धर्म है जिसे का भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, प्रेक्षण खाए कभी अपने फल, चाहे कोई गुणगान करे चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, चांदे चुभो जाए कोई, मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। नदियाँ पिए कभी अपना जल, वृक्ष खाए कभी अपने फल, वृक्ष खाए कभी अपने फल, वृक्ष खाए कभी अपने फल। स्टार सीताराम अगेन। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है, श्वास श्वास की रक्षा करती, श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जगाती है, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है, तू ऋषियों की रेढ़ी से थी, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ, तू ऋषियों की रेढ़ी से थी, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ,
तू मातों से भाग जगाने, भागी भागी आती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। तू काली महा काली दुर्गा, तू है बाल भवानी है, तू पुराने का सही शारदा, तू वीरों की बानी है, तू बालक को गोद मिले कर जीवन गीत सुनाती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। सबको सीताराम नमस्ते अगेन। दीनानाथ शंकरा अरुणा सागर शंकरा अर्टिपुरीश्वर शंकरा भोलानाथ Thousand pranams, Swami. May you enrich our lives with love always. Namaste. Thank you all very much. So I'll pass over to Auntie Indra to lead us in our closing prayer this evening. Thank you. Sitaram, everyone, again, and prepare for the closing prayers. Om Bhurbhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayam. Om Tumeva Mata Chepita Tvameva Tvameva Bandhu Cha Sakha Tvameva Tvameva Vaidya Ravinam Tvameva
त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ शान्ति 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 हरि ओम तत्सत् सीताराम अगेन एवरीवन.